रात के आसमान में एक लाल रंग की रोशनी चमकती है। ये मंगल ग्रह है, सूरज से चौथा ग्रह। हम इसे लाल ग्रह कहते हैं एक सिंपल से रीजन के लिए। ये लाल दिखता है। मंगल ग्रह आयरन ऑक्साइड से ढका हुआ है, जिसे हम जंग भी कहते हैं। एक पुरानी कार या भूले हुए औजार की तरह लोहा हवा और पानी के संपर्क में आने पर लाल नारंगी रंग का हो जाता है। करोड़ों वर्षों में मंगल की सतह पर लोहे में जंग लग गया है, जिससे पूरे ग्रह को यह प्रसिद्ध रंग मिला है। कल्पना कीजिए, आप मंगल ग्रह की सतह पर खड़े हैं। आपके पैरों के नीचे की जमीन लाल रंग की है, जो महीन धूल से ढकी हुई है। आप चट्टानों और पत्थरों से घिरे हुए हैं, जो सभी एक ही लाल रंग में रंगे हुए हैं। धूल भरे मंगल ग्रह के वातावरण के कारण आसमान हल्के पीले भूरे रंग का है। यहाँ की हवा पतली है, सांस लेने के लिए बहुत पतली है, इसलिए आपको जीवित रहने के लिए स्पेस सूट की आवश्यकता होगी। मंगल ग्रह हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी का घर है, ओलंपस मॉन्स, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। पास ही आपको वालेस मरिनरिस मिलेगा, जो एक बहुत बड़ा कैनियन सिस्टम है, जो ग्रैंड कैनियन को एक छोटी सी खाई जैसा दिखता है। सतह पर बिखरे हुए क्रेटर्स हैं, जो अरबों वर्षों से एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के इंपैक्ट्स के प्रमाण हैं। मंगल ग्रह का वातावरण पृथ्वी से बहुत अलग है। यह लगभग 100 गुना पतला है और यह ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। मंगल की पतली हवा गर्मी को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाती है, जिससे यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा होता है। दिन के समय कुछ जगहों पर यह 70 डिग्री फॉरेनहाइट 21 डिग्री सेल्सियस तक कंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन रात में तापमान 0 से 200 डिग्री फॉरेनहाइट शोक शायव परी तुलसी टे पड़ता है। शून्य के से इससे नए 129 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर सकता है। मंगल ग्रह के बादल पानी की बर्फ या कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ से बने होते हैं और ये अक्सर धुंधले और पतले होते हैं। मंगल ग्रह पर धूल भरी आंधियां आती हैं, जो बहुत बड़ी हो सकती हैं। कभी कभी तो पूरे ग्रह को ढंक लेती हैं। मनुष्यों ने अभी तक मंगल ग्रह पर पैर नहीं रखा है, लेकिन हमने इस फैसिनेटिंग ग्रह के बारे में जानने के लिए कई रोबोटिक एक्सप्लोरर्स भेजे हैं। इन मिशन्स ने हमें मंगल ग्रह के जियोलॉजी, एटमॉस्फेयर और हिस्ट्री को समझने में मदद की है। सबसे प्रसिद्ध मास मिशन्स में से एक वाइकिंग प्रोग्राम है। 1970 के दशक में 2 वाइकिंग लैंडर्स मंगल की सतह पर उतरे। उन्होंने ग्रह की पहली क्लोजअप पिक्चर्स ली और यहाँ तक कि जीवन के संकेतों की खोज के लिए एक्सपेरिमेंट्स भी किए। हाल ही में नासा का क्यूरियोसिटी रोवर गेल क्रेटर की खोज कर रहा है, जो एक बड़ा इंपैक्ट बेसिन है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें कभी पानी रहा होगा। 2021 में परसिवियरेंस रोवर जेजीरो क्रेटर में उतरा, जो पास्ट लाइफ के संकेतों की तलाश कर रहा है और चट्टानों के नमूने एकत्रित कर रहा है। मंगल ग्रह के 2 छोटे चांद हैं, फोबोस और डेमोस। हमारे अपने चांद के विपरीत, जो बड़ा और गोलाकार है, ये चांद छोटे और आलू के आकार के हैं। फोबोस, जो 2 चंद्रमाओं में से बड़ा है, मंगल के इतने करीब है कि यह मंगल के घूमने की तुलना में ग्रह की परिक्रमा तेजी से करता है। इसका मतलब है कि मंगल की सतह से फोबोस पश्चिम में उगता हुआ और पूर्व में अस्त होता हुआ दिखाई देगा। डेमोस, जो छोटा चांद है, मंगल से फादर अवे है और ग्रह की परिक्रमा करने में लगभग 30 घंटे लेता है। फोबोस और डेमोस दोनों ही क्रेटर्स से ढके हुए हैं, जो इंपैक्ट्स के एक लंबे इतिहास का प्रमाण है। वैज्ञानिकों का मानना है कि फोबोस और डेमोस कैप्चर्ड एस्टेरॉइड्स हो सकते हैं, जो मंगल के गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचे जाते हैं। मंगल ग्रह वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों को समान रूप से फैसिनेट करता रहता है। इसकी जंग लगी सतह, पतला एटमॉस्फेयर और पास्ट लाइफ को हार्बर करने की क्षमता इसे भविष्य के एक्सप्लोरेशन के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बनाती है। एक दिन मनुष्य मंगल की सतह पर चल सकते हैं, हम आवास बना सकते हैं,
भोजन उगा सकते हैं और यहाँ तक कि मानव उपस्थिति को बनाए रखने में मदद करने के लिए संसाधनों की खोज भी कर सकते हैं। ऐसे मिशन की चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन रिवॉर्ड्स और भी बड़े होंगे। मंगल ग्रह की खोज हमें अपने ग्रह के इतिहास और ब्रह्मांड में कहीं और जीवन की संभावना के बारे में और भी बहुत कुछ सिखा सकती है। यह भविष्य की पीढ़ियों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। लाल ग्रह बुला रहा है और मानवता इस आह्वान का उत्तर देने के लिए तैयार है।